दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं, पर अपनी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर की सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है, और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों जब भी कोई भी किसी के ऊपर केस करता है, किसी पर भी केस डालता है, वो NI एक्ट के तहत, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत जब केस डालता है किसी पर भी, तो सिर्फ ये चेक बाउंस का केस नहीं होता, उसी के साथ साथ और भी कई सारे केसेस डाल दिए जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसने वो चेक इशू किया था, जिसने फ्रॉड या चीटिंग करने की कोशिश की दूसरे व्यक्ति के साथ। कोई भी अमाउंट आपकी देनदारी है उसको अगर आपने टाइमली नहीं दिया या आपने कोई भी परेशानियां क्रिएट की, तो जो चेक है, चेक अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, चेक अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है पैसा रिकवर कराने की। क्या क्या केस और एक्स्ट्रा आपके ऊपर डाले जा सकते हैं और कैसे आप उन केसेस से बच पाएंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति का कभी ना कभी थाने पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है या कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ता जरूर है। यही एक पल होता है जब या तो आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, बहुत टेंशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और यहीं से आपकी दो तरह की समस्याएं आपके साथ चलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका मेंटल पीस छिन जाता है, मतलब कि दिमागी संतुलन या दिमाग में जो एक सुकून भरी जो जिंदगी होती है उसमें बिघन डल जाता है। या फिर आपका दूसरा एक जो पहलू बनता है इन केसेस का वो होता है फाइनेंशियल लॉस, मतलब कि पैसा आपका और ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाता है। मतलब वकीलों की फीस आपको देनी होती है, केस लड़ना है आपको तो उसके लिए टाइम भी निकालना होगा, जॉब अगर करते हैं जॉब की छुट्टी लेनी होगी, काम अगर करते हैं बिजनेस करते हैं तो वहां से भी आपको टाइम लेना होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए आपको किसी से पैसे की रिकवरी करनी है, अब वो पैसा नहीं दे रहा है। आप मान लीजिए आपने किसी को भी कोई पर्सनल लोन दिया या कोई सामान खरीदा पर सामान की डिलीवरी नहीं हुई या पैसा उसने ले लिया, ऐसे कई सारी बातें हो सकती हैं। या फिर मान लीजिए आपने किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया, अब प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है तो उसने वो आपको चेक्स इशू कर दिए, ये भी रीजन हो सकता है। अब होता क्या है, जब आप केस डालेंगे किसी पर भी, सिर्फ एक NI एक्ट का एक केस डाल देने से 138 का, सिर्फ आप सोचेंगे पैसा रिकवर हो जाएगा, हालांकि पैसा बिल्कुल रिकवर हो जाता है, ये आप उस तरह से मान लीजिए कि चेक को एक करेंसी की तरह आप मान लीजिए कि जिसको नकारा नहीं जा सकता कि आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपको पैसा तो देना होगा जिसने वो चेक इशू किया है। पर अगर वो ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि नहीं मेरी कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं है या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है यह केस, तो वो केस डिसमिस भी हो सकता है। आपको पैसा किससे रिकवर करना है, तो जो आपने चेक बाउंसिंग का केस डाला है उसको चलाइए, क्योंकि वो क्रिमिनल केस है जिसके अंदर 2 साल तक की सामने वाले को आप सजा करा सकते हो, और जो अमाउंट का आपने चेक डाला है, मतलब जो अमाउंट का आपने केस डाला है उसका डबल भी आप उससे वसूल सकते हैं। साथ में ही ऑर्डर 37 का भी एक केस डाल दें। ऑर्डर 37 क्या बोलता है, वो बोलता है कि CPC का ऑर्डर 37 बोलता है कि जिस केस को और प्रोसीडिंग तेज चलानी होगी, जल्द से जल्द उस केस का फैसला कराना हो आपको, जल्दी से आप चाहते हो उस केस का फैसला कराना, तो ऑर्डर 37 का भी आप सहारा ले सकते हैं। साथ में ही अगर आपने उस व्यक्ति के अगेंस्ट, अगर आपके साथ में कोई चीटिंग उसने किया, फ्रॉड किया है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी वो आपको बेचने वाला था, प्रॉपर्टी बेच रहा था, पैसा सारा उसने ले लिया, उसके बाद उसने फर्जी दस्तावेज कुछ आपको दे दिए और अब वो उस प्रॉपर्टी को नहीं दे रहा है, उसके एवज में आपको उसने चेक दे दिए, ये पूरी एक स्टोरी पूरी एक कहानी बनाकर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दें, उस पर FIR लॉज हो जाएगी। नॉर्मली 420, 406, 467 की FIR दर्ज होगी, 467 लगेगा, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का उसमें प्रावधान है अगर उसने आपको फर्जी डॉक्यूमेंट देने की कोशिश की थी तो, वरना फिर भी 420-406 में तो मुकदमा इजीली दर्ज हो ही जाता है, अगर ना भी हो तो आप 156(3) का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे ही आप ये तीनों केस डालेंगे, समन्स
उसके पास पहुंचेंगे तो वो कोर्ट में जरूर आएगा। हो सकता है राजीनामे के लिए, सेटलमेंट के लिए आपको अप्रोच करे, और मेरा मानना है कि सेटलमेंट कर भी लेना चाहिए जो कोर्ट की एक लेंथी प्रोसीडिंग्स है उससे बचने के लिए। अब अगर आपके ऊपर केस कोई दर्ज हुआ है, मान लीजिए आप हैं उसके अंदर, आप रिस्पोंडेंट हैं उसके अंदर, तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप ये देखें जो केस जो दर्ज हुआ है, जो आपको पैसा देना है, जो वो कह रहा है, जो चेक डाला है उसने, वो चेक आपने दिया किस कंडीशन में था? कहीं ऐसा तो नहीं वो एक सिक्योरिटी चेक था, या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा चेक हो जो कि हमारा लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है मतलब जिसमें कि लॉ की कोई जगह नहीं है। ऐसा कई सारे मामले होते हैं इलीगल जिसमें पैसे का लेन देन हुआ, तो उस पर ही अगर आप केस लड़ेंगे तो मेरा मानना है केस को आप शुरू में ही डिसमिस बिल्कुल करा सकते हैं। अपने केस को बहुत ही अच्छे से, अच्छे पहलू से रखें, अच्छे तरीके से रखें, और अगर आप बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग वे से केस को शुरू में ही प्रेजेंट नहीं कर पाए और 145(2) में अगर ढंग से आप क्रॉस नहीं कर पाए तो आप केस बिल्कुल हारोगे, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और साथ में जो पैसा है जितने का अमाउंट टोटल था उसका डबल भी आपको देना पड़ सकता है। तीनों केसेस वो आपके ऊपर बिल्कुल डाल सकता है और आपको निकलने के आसानी से रास्ते नहीं मिलेंगे। दोस्तों आपके दिल में कोई भी सवाल है, किसी तरह के डाउट्स आपके दिल में हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।